गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये सीरीज जो है आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो भी बच्चे NIIT CCC अगस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सितंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए सीरीज काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी क्लासेज में जरूर ज्वाइन कीजिए। रेगुलर क्लास रात के 8 बजे होती है, तो 8 बजे आप सभी क्लास में ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि हमारे क्लासेज में जो भी हम क्वेश्चंस लाते हैं स्टूडेंट, रिसर्च बेसिस कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको 101% आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो अगर बच्चे जो क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास को अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, CCC अगस्त एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। वहां से प्लेलिस्ट सीरीज वाइज सभी क्लासेज को देख सकते हैं। सभी क्लासेज को प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और स्टूडेंट, आप सभी के लिए जो क्लासेज है काफी इंपॉर्टेंट है, सीरीज चल रहा है, तो आपको एक भी क्लासेज को मिस नहीं करना है। और क्लास में अगर आप जुड़ गए हैं तो क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा स्टूडेंट। आपके क्लास में जो हम क्लास हैं आप सभी, तो आपको लास्ट तक बने रहना है क्योंकि एक एक क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है? सारे क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए, क्वेश्चंस का जवाब आपको लाइव चैट में देना है हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास से जुड़ जाना है। जुड़िए स्टूडेंट सारे सभी बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से 500 रुपये के नोट का साइज क्या होता है, आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से 500 रुपये के नोट का साइज क्या होता है, आपको बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साइज ऑफ RS 500 मोर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है स्टूडेंट, और हमारे साथ लाइव क्लास में बने रहिए, क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ गए हैं, तो जल्दी से आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब देना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 500 रुपये के नोट का साइज क्या होता है, आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 66 × 150 mm, ठीक है? यह हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेनू में नॉर्मल व्यू का कमांड मौजूद होता है, आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस मेनू में नॉर्मल व्यू का कमांड मौजूद होता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो ए है इंसर्ट है, ऑप्शन नंबर जो बी है व्यू है, ऑप्शन नंबर जो सी है फॉर्मेट है, और ऑप्शन नंबर जो डी है नन है। बताना आप सभी बच्चों को कि निम्नलिखित में से किस मेनू में नॉर्मल व्यू का कमांड मौजूद होता है। इसमें अगर आपने लिब्री ऑफिस कैल्क यूज किया है तो आपको ये कमांड मालूम होना चाहिए। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है व्यू। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया है तो उनका सही जवाब है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री कि निम्नलिखित में से PNG का फुल फॉर्म क्या होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है कि PNG का फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों, आप सभी को क्लास से जुड़े रहना है और क्वेश्चंस को समझने की प्रयास कीजिए। क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही ऑप्शंस का चयनित नहीं कर सकते। तो पहले आप क्वेश्चंस को समझिए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित लाइव चैट में हमें बताइए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो थ्री है कि निम्नलिखित में से PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों,
तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग पीएनआर इज अवेलेबल। इन विच ऑफ द फ्लोइंग पीएनआर इज अवेलेबल, बताना आपको जो पीएनआर जो है वो अवेलेबल कहाँ पे होता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट रिसर्च बेसिस कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको तो हेल्प मिलेगा ही 101% आपको ट्रिपल सी एग्जाम में, तो आप शेयर करेंगे तो और भी साथियों को इस क्लास से हेल्प मिल जाएगा। तो बताइए आप सभी क्वेश्चन में जो फोर है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग पीएनआर इज अवेलेबल, बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है IRCTC पे आपको पीएनआर अवेलेबल होता है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट जब हम IRCTC से ऐप से अगर हम टिकट करते हैं तो हमारा क्या मिलता है पीएनआर नंबर मिलता है, ठीक है। उस पीएनआर नंबर से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो सीट की अवेलेबिलिटी है वो कहाँ पर है, ठीक है, सीट हमारा कहाँ पर है, किस डब्बे में है, सारी जानकारी हमारे पीएनआर नंबर से मिलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में जीरो से डिवाइड करने पर क्या आउटपुट दिखाई देता है आपको बताना है। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में यूज कर रहे हैं और वहां पे आप किसी भी नंबर को किसी भी डिजिट को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट कि अगर आप नॉर्मली कॉपी पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप जीरो से अगर आप डिवाइड करते हैं और यहाँ पे आपका क्या नंबर है 5 है 6 है और आपका 7 है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या इनपुट मिलेगा बताइए। तो आपको क्या मिलेगा जीरो ही ना मिलेगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है जीरो होगा। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका सही जवाब है, ठीक है। तो आपका जो है स्टूडेंट इसमें आउटपुट दिखाई देता है, ताकि देख सकते हैं स्टूडेंट जो आउटपुट जो है आपका वो जीरो ही आएगा, लेकिन अगर हैज डिवाइड इंटू जीरो की बात करें तो ये आपका स्टूडेंट ये लेकिन स्टेटमेंट हमारा थोड़ा गलत हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में जीरो से डिवाइड करने पर क्या आउटपुट दिखाई देता है, ठीक है। तो हमारा स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर होगा आपका जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा हैंडलूप क्लस्टर है, बताना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा हैंडलूप क्लस्टर है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर रहता है फेसबुक। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर अगर बी बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है, मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कुकीज इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से B2B का संबंध किससे है, B2B इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, तो बताना आपको करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हम टास्क बार को कितने जगहों पर मूव कर सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हम टास्क बार को कितने जगहों पर मूव कर सकते हैं। टू हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कैन वी मूव द टास्क बार, बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो हु अमंग द फ्लोइंग लॉन्च्ड UPI, बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है NPCI के द्वारा UPI को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 200 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कलर ऑफ RS 200 नोट, स्टूडेंट 200 रुपए का नोट सभी ने यूज किया होगा तो किस कलर का होता है आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है ब्राइट येलो के कलर का आपका 200 का कलर होता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से OSI में कितनी लेयर होती है। निम्नलिखित में से OSI में कितनी लेयर होती है आपको बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है, 7 लेयर होती है इसमें। जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सांस का पूर्ण रूप क्या होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सेस, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से IFC कोड कितने अंक का होता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग IFC कोड हैज हाउ मेनी डिजिट्स, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का सुपर कंप्यूटर फॉरम कहाँ पर स्थित है। वेयर अमॉन्ग द फ्लोइंग इज इंडिया सुपर कंप्यूटर फॉरम लोकेटेड, बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो सुपर कंप्यूटर का जो स्थित है वो पुणे में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से याहू मेल में कितने MB की फाइल अपलोड कर सकते हैं, बताइए। ऑफ द फ्लोइंग हाउ मेनी MB फाइल्स कैन बी अपलोडेड टू याहू मेल, बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 25 MB इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, सही आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है, 10। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रोग्राम में नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को देते रहना है और क्लास के लास्ट तक बने रहना है। और किसी भी तरीके की अगर आपको डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपकी रिप्लाई जरूर दूंगा इसमें। तो बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चंस का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर रहता है, F5 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें डेटा सबसे पहला अस्थायी रूप से सहेजा जाता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग द डाटा इज फर्स्ट सेव टेम्पररी, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, डी, रैम इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग मुक्त मरम्मत को क्या कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड फ्री रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, पैच। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केवल लैन में उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है, NIC इज करेक्ट आंसर। एसवाइन आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 21 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार हैं तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए कि अगर कोई भी अगर अपडेट आता है हमारे चैनल के माध्यम से तो आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसमें अगर आपको किसी भी तरीके की क्वायरी है तो आप हमें 9458009461 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा सहायता किया जाएगा। इसमें जो बच्चे क्लास में आज पहली बार आए हैं तो आप प्रीवियस क्लास अवश्य देखें, और दूसरा हमारा चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, त्रिपल के बहुत सारे क्लासेज हैं जो कि प्रैक्टिस क्लास है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट्स आपको एग्जाम में मिलेगा। इसमें